गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखो ये थर्ड चैप्टर चालू कर रखा था हमने, मेटल और नॉन मेटल वाला, धातु और अधातु वाला। वो धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ लिया हमने इससे पहले, जो भी वीडियो है इससे पहले जो भी क्लासे थी समय हमने क्या पढ़ा, धातुओं के रासायनिक गुण, यानी कि धातु की अभिक्रिया वायु से, जल से, फिर अम्लों से, ठीक है, क्षारों से था ना इस सिलेबस के अंदर। और फिर इससे जो पहले वाला वीडियो था, इससे पहले जो हमने एंड किया था वो था धातु और अधातु की आपस में अभिक्रिया। और फिर उसके बाद में हमने एक चीज और पढ़ी थी, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के चार पॉइंट पढ़े थे, आयनिक यौगिकों की भौतिक अवस्था कैसी है, गलनांक वतनांक क्या है, जल में विलय की नहीं है, विद्युत का चालन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये तुम्हारे चैप्टर का आधा पोर्शन हो गया। आधा क्या, ये तुम्हारे चैप्टर का आधे से ज्यादा ही मानो आप, तो 60-70% पोर्शन कंप्लीट है। अब चैप्टर का अलग पोर्शन है इनका, ये रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म इनसे कोई लेना देना नहीं है। और वो जो टॉपिक है, हेडिंग है धातुओं की प्राप्ति, आज की जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, धातुओं की प्राप्ति, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। और समझ लेना, सुन लेना, नोटिस कर लेना मेरी बात, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए समझने के लिए, क्योंकि अलग है ये टॉपिक उनसे अलग है। ऐसा नहीं कि थ्योरी है कि मैं रीडिंग मार दूंगा आपके समझ में आ जाएगी, इसमें रिएक्शन भी आएगी, थ्योरी भी आएगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो बहुत ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है। और हेडिंग क्या है, धातुओं की प्राप्ति। अब सबसे पहले समझो आप इस वर्ड को, समझो कि सर धातुओं की प्राप्ति से क्या मतलब है। धातुओं की प्राप्ति से मतलब यह है कि धातु आपको कहां से प्राप्त होती है, तो एक ही आंसर आएगा कि सर धातु हमें खानों से प्राप्त होती है, मिट्टी से प्राप्त होती है। धातु कोई बनाई थोड़ी जाती है, धातु कोई हवा में थोड़ी मिलती है, धातु कोई पानी में थोड़ी मिलती है, धातुएं हमें मिलती है मिट्टी से, नीचे से निकाली जाती है धातुएं, ठीक है। तो धातुएं मिट्टी से कैसे निकाली जाती है, उनको शुद्ध कैसे किया जाता है, उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी आपको इस वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब यहां से सबसे पहला जो हमारे लिए टॉपिक होगा वो है खनिज। पहला जो टॉपिक है वो है खनिज, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल या मिनरल्स। अब खनिज किसे कहते हैं, आपने नाम सुना होगा खनिज लवण, पढ़ते हैं साइंस के अंदर खनिज और लवण। और खनिज लवणों में सभी धातुएं और अधातु आती है, कैल्शियम, पोटेशियम, एफी, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, लोहा, मोलिब्डेनम, जिंक, ये सब खनिज लवण है। ये सब क्या है, खनिज लवण। और ये सब हमें पर्यावरण से या वायुमंडल से प्राप्त होते हैं। तो यहां से देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है खनिज। और खनिज किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं कि मिट्टी से प्राप्त होने वाले या मृदा से प्राप्त होने वाले तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन हो गई, मृदा से प्राप्त होने वाले, मृदा से प्राप्त होने वाले तत्वों एवं यौगिकों को, मृदा से प्राप्त होने वाले तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। मतलब अब देखो, मृदा से प्राप्त होने वाले तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड, ये तत्व और यौगिक ये हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं, मृदा से। और इन्हीं तत्वों और यौगिकों में मिक्स है धातु, और उन धातुओं को हमें क्या करना है, अलग करना है। तो पहला टॉपिक हो गया कि खनिज किसे कहते हैं, मृदा से प्राप्त होने वाले तत्व एवं यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। सारी चीजें समझ में आएगी, बस आप ढंग से ये पूरी चीजें समझते रहो। नंबर दो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से आपको समझना है अयस्क। अयस्क ये बहुत परेशान करेगा आपको बार बार, अयस्क क्या चीज है, तो इसको एक ही बार में समझ के पटक दो साइड में। अयस्क अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ओर। मृदा से प्राप्त होने वाले तत्वों और यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज। और खनिजों पर, जहां से आप खनिज निकालते हो ना, खनिजों से प्राप्त होने वाली कुछ विशेष प्रकार की धातुओं को बोला जाता है अयस्क। देखो, खनिजों से प्राप्त, खनिजों से प्राप्त होने वाली, खनिजों से प्राप्त होने वाली
कुछ विशेष धातुएं खनिजों से प्राप्त होने वाली कुछ विशेष धातुएं जो लाभकारी एवं लाभकारी लिख लो, जो लाभकारी तरीके से प्राप्त हो जाए अयस्क कहलाता है। अयस्क कहलाता है। मुझे पता है अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं माइंड में बैठ नहीं रहा कि क्या पढ़ रहे हैं। देखो नोटिस करो, आप क्या पढ़ रहे हैं? धातुओं की प्राप्ति। पहले इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में डालूंगा मैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? धातुओं की प्राप्ति। फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको धातुएं कहां से मिलती है? फिर आप बोलोगे सर सारी की सारी धातुएं तो हम मिट्टी से निकालते हैं, ठीक है। वो जो धातु आप मिट्टी से निकाल के ला रहे हो ना धातुएं, तो धातु के साथ तो बहुत सारी चीजें आती है, तो मृदा से प्राप्त होने वाले तत्व, मृदा से प्राप्त होने वाले जो यौगिक है। अब धातु है, धातु अकेली तो निकलने से रही, धातु किसी ना किसी चीज के साथ जुड़ी रहती है। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो आप, तो लोहा, लोहा अकेला थोड़ी रहेगा, लोहा या तो सल्फर के साथ जुड़ा होगा, या ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, या हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, कार्बोनेट के साथ जुड़ा होगा। तो धातुएं आपस में जुड़ी रहती है। तो मृदा से जो आप तत्व निकाल रहे हो, मृदा से जो आप यौगिक निकाल रहे हो, उन्हें बोला जाता है मिनरल्स, उन्हें क्या बोला जाता है? खनिज। और इन खनिजों में धातुएं शामिल है, इन खनिजों में धातुएं शामिल है। मृदा से प्राप्त होने वाले तत्वों और यौगिकों को क्या बोला जाता है? यानी कि मिट्टी से जो भी निकाल के ला रहे हो ना, कोई भी यौगिक हो, कोई भी तत्व, उन्हें खनिज कहते हैं। फिर खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? कई बार क्वेश्चन आ जाता है खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, तो अगर मैं मोटा मोटा तुम्हें समझाऊं तो ध्यान रखना, खनिज ही अयस्क है, अयस्क ही खनिज है, एक ही बात है। खनिज ही अयस्क है और अयस्क ही खनिज है। फिर इनको अलग क्यों पढ़ा जाता है? तो आप नोटिस करो, खनिजों से प्राप्त होने वाली कुछ विशेष धातुएं जो लाभकारी तरीके से प्राप्त हो जाए, यानी कि कुछ स्थान ऐसे होती है, कुछ जगह ऐसी होती है कि जहां पर जो खनिज आपको मिलेंगे ना, वहां पर कुछ विशेष प्रकार की धातुएं निकाली जाती है। जैसे मान लो आपको बहुत सारे खनिज मिल गए और वहां से हमें जिंक निकालना पड़ रहा है, ठीक है, वहां से हम लोहा निकाल रहे हैं, वहां से हम और कोई मान लो एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं। से अगर खनिजों से आपने स्पेशल किसी एक पर्टिकुलर धातु की बात करूं मैं, खनिजों से अगर आप किसी एक विशेष धातु का निष्कर्षण कर रहे हो, किसी विशेष धातु को निकाल रहे हो, और वो भी बिल्कुल इजी तरीके से, सस्ते तरीके से निकाल रहे हो, तो फिर वो अयस्क कहलाता है। फिर वो क्या कहलाता है? अयस्क। देखो एग्जांपल से समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। मान लो मैं कुछ अयस्कों के उदाहरण दूं या कुछ खनिजों के एग्जांपल दूं, जिंक का एग्जांपल ले लूं मैं। अब जिंक के तो कई यौगिक बन सकते हैं। देखो मृदा से प्राप्त होने वाले तत्व और यौगिक, और मैंने अभी बताया था कि जरूरी नहीं धातु को अकेला निकाले, धातु किसी ना किसी चीज के साथ मिक्स हो जाएगी, और धातु जब मिक्स हो जाएगी तो क्या बना? धातु तो क्या है? तत्व है। जब वो मिक्स हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाएगा। तो एक एग्जाम्पल से मैं खनिज और अयस्क का मतलब समझा रहा हूँ। मान लो हमने जिंक निकालना है, मिट्टी से क्या निकालना है? जिंक। तो जिंक ZN होता है, तो अकेला तो आएगा नहीं, किसी ना किसी चीज के साथ मिला हुआ होता है। देखो किस किस के साथ जिंक मिला होता है? जिंक मिला होता है ZnS, यानी कि जिंक सल्फाइड। क्या ये समझना ध्यान से, जिंक सल्फाइड, ओके। दूसरा जो जिंक का यौगिक, ये जिंक का यौगिक है, दूसरा है ZnCO3, ZnCO3। तीसरा जो है ZnNO3 का होल ट्वाइस। चौथा जो यौगिक है वो है ZnCN का होल ट्वाइस, जिंक साइनाइड है। एक जिंक सल्फेट मान लो ZnSO4, ZnSO4। जिंक आयोडाइड मान लो ZnI2, ZnI2। बताओ इन सब में कॉमन चीज क्या है? इन सब में कॉमन चीज है जिंक, 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 जिंक। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि ये सब जिंक के खनिज है, ये सब जिंक के क्या है? खनिज। मृदा से प्राप्त होने वाले तत्व है, तत्व तो जिंक है ही ना, मृदा से प्राप्त होने वाले तत्व एवं यौगिकों को। मान लो आपको जिंक के यौगिक मिल रहे हैं, आपको किसके यौगिक मिल रहे हैं? ये जिंक का यौगिक है, ये जिंक का यौगिक है, ये जिंक का यौगिक है। ऑल ओवर द कंपाउंड ऑफ द जिंक दैट इज कॉल्ड ऑफ द मिनरल्स।
ये सब के सब जिंक के क्या है, योगिक। अपने दिमाग में बिठाओ, खनिज किसे कहते हैं, चलो छोटी सी डेफिनेशन याद कर लो, मिट्टी से मिलने वाले यौगिकों को, खत्म बात। मिट्टी से मिलने वाले किसी भी तत्व के यौगिकों को खनिज कहते हैं, ठीक है। तो मान लो मिट्टी से हमें जिंक के इतने सारे खनिज मिल गए, ये जिंक का यौगिक, ये जिंक का यौगिक, ये जिंक का यौगिक, और किसी तत्व के यौगिक को ही क्या बोला जाता है, खनिज बोला जाता है। इतने सारे खनिज लवण मिल गए हमें, ठीक है। अब अयस्क किसे बोलेंगे, अब अयस्क उसे बोलेंगे इन सभी खनिजों में से, इन सभी खनिजों में से अगर हमें जिंक का कोई स्पेशल यौगिक निकालना है, इन सभी खनिजों में से हमें जिंक का जो यौगिक बिल्कुल इजी तरीके से और बिल्कुल सस्ते तरीके से मिल रहा है और बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, उसे अयस्क कह देंगे, खत्म बात। खनिजों से, ये सब खनिज है कि नहीं है, ठीक है। खनिजों से प्राप्त होने वाली कुछ विशेष धातुएं, खनिजों से प्राप्त होने वाली कुछ विशेष धातु के यौगिक या धातुएं जो लाभकारी तरीके से प्राप्त हो जाए, मान लो ये सब आप, ये सब आपने मान लो कोई जगह है जहां पर हमें जिंक के यौगिक मिल रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा या किसी तरीके से हमें जानकारी मिली कि सर एक जगह है जहां पर जिंक के ये सारे यौगिक मिलने वाले हैं, ठीक है। हम पहुंच गए जिंक के सारे यौगिक निकालने, हमें जिंक सल्फाइड भी चाहिए, कार्बोनेट भी चाहिए, जिंक नाइट्रेट भी चाहिए, जिंक साइनाइड भी चाहिए, जिंक सल्फेट भी चाहिए, जिंक आयोडाइड भी चाहिए, लेकिन सबको निकालने में तो बहुत खर्चा आएगा। धातुएं ऐसे थोड़ी निकाली जाती है, वहां पर हमें पूरा सेटअप तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, प्रयोगशाला डालनी पड़ेगी, वहां पर क्या लगाना, ठीक है, हमें ऐसे मान लो पूरा एक प्लांट तैयार करना पड़ेगा धातु निकालने, मशीनें लगानी पड़ेगी, बहुत खर्चा आ जाएगा। तो सभी खनिज तो नहीं निकाले जा सकते, लेकिन इनमें से, अब नोटिस करना बात को, इन सभी खनिजों में से, इन सभी धातु के यौगिकों में से जो धातु यौगिक बहुत जल्दी तरीके से निकल जाएगा, बहुत कम खर्चे में निकल जाएगा, बहुत लाभकारी तरीके से निकल जाएगा और बहुत मात्रा में आपको इजी तरीके से मिल जाएगा, इजी और लाभकारी तरीके से और सस्ते तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा ना, उसी खनिज को हम अयस्क कह देंगे। बस आगे ना बात समझ में, उसी खनिज को हम क्या बोल देंगे, अयस्क बोल देंगे। अब डेफिनेशन मैच करो, मृदा से प्राप्त होने वाले तत्व और यौगिक, ये सब यौगिक ही तो है, जिंक के यौगिक के सारे के सारे यौगिकों को खनिज कहते हैं, यौगिक ये खनिज 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 ऑल ओवर खनिज, सारे के सारे खनिज है। अब अयस्क किसे कहेंगे, देखो अयस्क किसे कहेंगे, खनिजों से प्राप्त होने वाली कुछ विशेष धातुएं, इनमें से प्राप्त होने वाली कुछ विशेष यौगिक, विशेष कौन से, विशेष उन्हें बोलेंगे जो सस्ते तरीके से, लाभकारी तरीके से, इजी तरीके से प्राप्त हो जाए। देखो कैसे, मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं कि जिंक सल्फाइड को नीचे से निकालने में कितना खर्चा आ रहा है, 600 केजी पर हावर। ऐसा समझ लो कि एक किलो, एक 600 रुपए पर केजी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक किलो जिंक सल्फाइड निकालने में कितना खर्च आ रहा है, 600 रुपए का। कितना आ रहा है, 600 रुपए का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए ध्यान लगाओगे पूरा। ZnCO3 मान लो इसमें खर्च आ रहा है 700 रुपए पर केजी, इसमें खर्च आ रहा है 2000 रुपए पर केजी। मारे जाए इसके अंदर तो एक किलो जिंक नाइट्रेट निकालने में 2000 रुपए गए, ठीक है। और बहुत ऐसा मान लो बहुत हार्ड है निकालना, ऐसे नहीं निकाली जाती। और इसमें खर्चा आ रहा है मान लो 1500 रुपए पर केजी, इसमें खर्चा आ रहा है मान लो 1900 रुपए पर केजी, इसमें खर्चा आ रहा है मान लो 1300 रुपए पर केजी। सब में खर्चा बता दिया मैंने, 600, 700, 2000, 1500, 1900, 1300। अब बताओ सबसे कम लागत में और सबसे इजी तरीके से, सबसे ज्यादा लाभ, लाभ का मतलब है हमारा खर्चा कम होगा तो लाभ ही होगा हमें, सबसे लाभकारी और सबसे इजी तरीके से हम कौन सा खनिज प्राप्त कर सकते हैं, आप लोग जवाब दोगे, ZnS, जिंक और ZnCO3 दोनों, ज्यादा में ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों को, ये वाला और ये वाला। तो ये दोनों हो गए जिंक के अयस्क। मैंने कहा ना खनिजों से प्राप्त होने वाले कुछ विशेष धातुएं, यही है वो दोनों विशेष जिनको हम लाभकारी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, कम खर्चे पर प्राप्त कर सकते हैं,
ज्यादा मात्रा में, अगर खर्चा कम लगेगा तो हम पैसे लगाते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करेंगे क्योंकि कम खर्चे में। देखो 600 रुपए में हमें 3 किलो जेडनेस मिल रहा है और यहाँ पर 2000 में 1 किलो ही मिल रहा है, तो हम इतनी मूर्खता क्यों करेंगे? हम 1800 रुपए में 3 केजी निकालेंगे, यहाँ पर 2000 में 1 केजी, तो एक तो खर्चा भी कम और मात्रा भी ज्यादा मिल रही है। समझ में आ रही बात? खर्चा भी 1800, मात्रा भी 3 किलो, खर्चा 2000, मात्रा 1 किलो। तो ध्यान रखना ये सभी खनिज लवण है, सभी के सभी खनिज है, जिंक के खनिज है, लेकिन इन जिंक के खनिजों में कुछ विशेष प्रकार के खनिज और कुछ विशेष प्रकार के धातु या यौगिक जिनको आप बहुत लाभकारी और इजी तरीके से प्राप्त कर सकते हो, उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। उन खनिजों को क्या बोला जाता है? अयस्क। तो ये दोनों अयस्क है, जेड एन एस अयस्क है और जेड एन सी ओ थ्री भी क्या है यहाँ पे? अयस्क है। बाकी ये सब अब देखो, अब नोटिस करो, जेड एन एस और जेड एन सी ओ थ्री ये दोनों अयस्क है, लेकिन अयस्क के साथ साथ ये दोनों खनिज भी तो है ना, अयस्क के साथ साथ क्या है? खनिज भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जेड एन सी एन का होल ट्वाइस ये अयस्क है क्या? जेड एन आई टू अयस्क है क्या? नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? क्या आ गई? सभी अयस्क, मान लो ये दोनों अयस्क हमने सेट कर लिए, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। खनिज तो है ही ना, जिंक सल्फाइड खनिज भी है, अयस्क भी है, जिंक कार्बोनेट खनिज भी है, अयस्क भी है, जिंक नाइट्रेट ओनली खनिज है, जिंक साइनाइड ओनली खनिज है, जिंक सल्फेट ओनली खनिज है, जिंक आयोडाइड ओनली खनिज है, अयस्क तो नहीं है ना। तो मैं क्या बोला? सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। बताओ ये खनिज और अयस्क का लोचा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया ना? इतना सा ध्यान रखना, जो मिट्टी से जो आप नीचे से निकाल रहे हो ना, सब मिनरल्स है। अब वो जरूरी नहीं जिंक के हो, लोहे के भी तो बहुत सारे यौगिक बन सकते हैं ना, या मैं बात करूं एल्यूमिनियम के भी बहुत सारे यौगिक बन सकते हैं। एल्यूमिनियम साइनाइड बन सकता है, फेरस साइनाइड बन सकता है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट बन सकता है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट बन सकता है, एल्यूमिनियम सल्फेट बन सकता है, एल्यूमिनियम आयोडाइड बन सकता है, सब बन सकते हैं आपस में, ठीक है। लेकिन मैंने एक जिंक का एग्जाम्पल लेकर समझाया है। और किसी भी तत्व या किसी भी धातु के आपको खनिज मिलते हैं और उन खनिजों में से कोई विशेष प्रकार के खनिजों को आप अलग करते हो, जो लाभकारी है, जो इजी तरीके से रिमूव किए जा सकते हैं, उन्हें हम ओर कहते हैं। ओर का मतलब उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अयस्क, हाँ, उन्हें अयस्क बोला जाता है। अब ध्यान रखना, अब आप क्या करोगे, आगे का टॉपिक क्या है, ये तो मैंने मतलब समझा है। अब आप मेन पॉइंट पर आओ जो ऊपरी ऊपर डाला हुआ है, धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति, आप नीचे सारी की सारी धातु नीचे से निकाली जाती है और सभी के सभी धातुओं को आप कैसे प्राप्त करोगे? तो धातुओं को तो हमने क्रियाशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में डाल रखा है। हमने पढ़ा था ना धातु की क्रियाशीलता का क्रम, कब? जब हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी, याद करो ट्रिक बताई थी, करीना ने कार मांगी, अल्टोजन फरारी, सुन पटो दुबे आगे हंसकर कल्टी मारी, हे गल आजा तुझे गोल्ड दिला दूं। तो उस कैटेगरी के आधार पर हमने धातुओं को कितने भागों में बांटा था? 3, अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील और बीच वाली क्या थी? मध्यम क्रियाशील। अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील और बीच वाली कौन सी थी? मध्यम क्रियाशील। मध्यम क्रियाशील। इन सभी धातुओं को हमें प्राप्त करना है। देखो इन सभी धातुओं को प्राप्त करना है, तो आप सोचो सबसे ज्यादा जोर हमें उन धातुओं को प्राप्त करने में आएगा जो बहुत ज्यादा क्रियाशील है, क्योंकि वो तो पहले से ही क्रिया करके बैठी है। तो जिससे क्रिया कर रखी है ना, उनसे हमें अलग करना है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, देखो आवाज बंद कर लो, इस टॉपिक में आप बिल्कुल नहीं बोलोगे क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा, वरना थोड़ा सा ध्यान देना, इसको मिटा दूंगा डेफिनेशन को, समझ में आ गया ना, वो तो नोट्स में मिल जाएंगे आपको। देखो धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम क्या था? करीना ने कार मांगी, एल्टोजेन फरारी, सुन पटोदी भैया ने हंसकर कल्टी मारी, हे गर्ल आजा तुझे गोल्ड दिला। ये लो, ये धातुओं की क्रियाशीलता हो गई।
पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। अब इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ये जितनी भी धातु दिख रही है ना आपको, सबकी सब हमें नीचे से मिलती है, सबकी सबको खनिजों से अलग किया जाता है। खनिजों से मतलब है ये धातुएं अकेले कभी नहीं मिलेगी, ये धातुएं किसी ना किसी चीज के साथ मिक्स होगी। आप जिंक को ही देख लो, जिंक कौन सी यहाँ अकेली है, जिंक सल्फर से जुड़ी हुई है, कार्बोनेट से जुड़ी हुई है, साइनाइड से जुड़ी हुई है, सल्फेट से, आयोडीन से, नाइट्रेट से। ऐसे ही एल्यूमिनियम जुड़ेगी, ऐसे ही मैग्नीशियम जुड़ेगी, ऐसे ही कैल्शियम जुड़ेगी, लेकिन अलग अलग तरीके से। क्यों? क्योंकि इनको हमने क्रियाशीलता के आधार पर, जो धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी वो सबसे ज्यादा वस्तुओं से जुड़ेगी, जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी वो सबसे ज्यादा जुड़ेगी। तो क्रियाशीलता के आधार पर हमने इनको तीन भागों में बांटा है। देखो यहां तक पोटेशियम से मैग्नीशियम तक बात कर लो आप, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस और लेड तक बात कर लो, और इनको कॉपर से लेकर सबसे नीचे, ये सबसे अधिक क्रियाशील है, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सबसे क्रिया करेगी। तो इनको अलग करने में बहुत जोर आएगा, ये बहुत ज्यादा हमें मेथड लगाने पड़ेंगे इनको अलग, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो उनको अलग करने में हमें क्या करना पड़ेगा, जोर आएगा। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो तीन लड़के हैं और तीन लड़कियां हैं, तीन लड़के, एक ऐसा लड़का जो बहुत ज्यादा क्रियाशील है, उसकी दोस्ती बहुत ज्यादा है, पढ़ने में उसका ध्यान नहीं है, हर लड़के से उसका दोस्ताना है। एक मध्यम वर्ग का लड़का है जो दोस्ती रखता है लेकिन इतनी नहीं रखता, कम रखता है, और एक सबसे कम दोस्ती वाला जिसको मतलब ही नहीं, वो अकेला रहता है, वो एकांत में रहता है। अब हमें इन तीनों लड़कों को पढ़ाई में डालना है, तो बताओ सबसे कम जोर किसमें आएगा, जो अकेला रहता है उसको यही काम है पढ़ने का, उसको एक बार बोलना पड़ेगा कि एग्जाम आ रही है पढ़ाई कर लो। और जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है, जिसकी बहुत ज्यादा दोस्ती, इधर उधर घूमने की आदत है, उसको बोला जाएगा कि पढ़ाई कर ले रहे, एग्जाम आ रही है, तो वो उसको उनकी दोस्ती तोड़ने में, उस लड़के को दूसरों लड़कों से अलग करने में बहुत जोर आएगा। समझ में आ रही होगी बात? तो ये ज्यादा क्रियाशील है, इनको अलग करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का सहारा लेना पड़ेगा, विद्युत अपघटन के द्वारा अलग किया जाता है इनको। अब कोई बोले सर किससे अलग किया जाएगा, क्योंकि धातुएं मिक्स हो रही ना, धातुएं यौगिक बना रही है। देखो जिंक साइनाइड के साथ मिक्स है, जिंक सल्फेट के साथ मिक्स है, जिंक आयोडीन के साथ मिक्स है, ऐसे ही सारी धातुएं आपस में जुड़ी हुई है। अकेली धातु आपको नहीं मिलेगी, अकेली धातु तो वही मिलेगी, मुक्त अवस्था में धातु वही मिलेगी जो सबसे ज्यादा कम क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशील है। ये सबसे अधिक क्रियाशील, ये मध्यम क्रियाशील, और ये सबसे कम। बताओ सबसे कम जोर कौन सी धातुओं को प्राप्त करने में आएगा, कम क्रियाशील धातु को प्राप्त करने में, मरकरी को, क्योंकि क्रिया ही नहीं करती, इनको आप इजीली नीचे से निकाल सकते हो। हाँ ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही किसी से क्रिया नहीं करती, हल थोड़ी बहुत क्रिया करती है, लेकिन इनको हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से